अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। कल हमने गुजराती के पीरियड में पाठ बे शरणाईना सुर पढ़ा था, जिसके लेखक है चुनीलाल मडिया, और शरणाईना सुर का साहित्य प्रकार है टूकी वार्ता, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह एक पिता के दिल में अपनी बेटी के लिए कितने जज्बात है, कितनी मोहब्बत है, उसके बारे में हमने कल देखा था। आपको समझ में आया होगा, और मैंने आपको कल बताया था कि इस लेसन के जो सवाल जवाब है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते ही है, बोर्ड की एग्ज़ाम में अभी तक आए ही है, और दो मार्क्स वाले में भी इसके सवाल जवाब आते हैं। तो हमें ये पाठ के सवाल जवाब की ज़्यादा अच्छे से तैयारी करनी है। अब अगत्यना प्रश्नोत्तर, तो जो ज़्यादातर बोर्ड की एग्ज़ाम के लास्ट 3-4 ईयर्स के पेपर में आए हैं, उन प्रश्नोत्तर पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। प्रश्न एक, नीचे ना प्रश्नों ना मुद्दासर उत्तर लखो। मुद्दासर उत्तर लखो यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का आता है। तो प्रश्न एक में पहला, शरणाईना सुर कृति ने आधारे पितानी वेदनानु वर्णन करो। अब कृति यानी कि ये पाठ के आधार पर पितानी वेदना यानी पिता का जो दुख है उसका वर्णन करना है, उसके बारे में हमें बताना है। तो जवाब की शुरुआत होगी, रमजू मीर शरणाई वादक छे, शरणाई बजाने वाले जो मैंने आपको कल समझाया था। भर जुवानी मां घर भंग थयेला रमजू ने 2 वर्षनी मां विहोणी बाड़कीनी माता थवू पड़ेलू। भर जुवानी मां यानी के जवानी में बिल्कुल कम उम्र में घर भंग हो जाना यानी पत्नी का मृत्यु हो जाना, घर संसार बिखर जाना। रमजू को बेटी सकीना जो थी मतलब 2 साल की थी, 2 वर्षनी मां विहोणी मतलब 2 साल की मां बिना की बेटी की मां बनना पड़ा था। माँ की मृत्यु हो गई इसलिए पिता को माँ जैसा ही उसका ख्याल रखना पड़ा। रमजुए दिकरी सकीना ने सगी माँ करताए सवाया हेती मोटी करेली। यानी यहाँ बता रहे हैं लेखक के सकीना को जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई, वो 2 साल की थी, तो रमजू मीर ने उसकी माँ अगर जिंदा होती सकीना की तो वो भी उसका इतना ख्याल नहीं रखती, लेकिन उससे भी ज़्यादा रमजू मीर ने अपनी बेटी का ख्याल रखा सवाया हेती यानी ज़्यादा प्यार से। नमाई यानि माँ बिना की पुत्री ने जरा पण ओछू न आवे, उसे जरा भी कोई चीज़ की कमी महसूस न हो, एनी तकेदारी राखी उसका ध्यान रखा। सकीना मोटी थई तेने परणावी, वो बड़ी हुई उसकी शादी की, परंतु सकीना ने सासरिये मोकल्या पछी 8वें दिवसे ज एनो बेदी मृत्यु थयो। लेकिन सकीना को ससुराल विदा करने के बाद 8वें ही दिन उसका बेदी मृत्यु हुआ, यानी राज वाली उसकी मृत्यु हुई, जिसका कोई राज पता नहीं चला, वो राज ही रह गया। सकीना ना बेदी मृत्यु थी रमजोमीर पुत्री तेमज पत्नी बन्ने ना देह विलयनो वियोग अनुभव्यो। यानी रमजोमीर ने पहले अपनी पत्नी को खोया था, उसके बाद उसने पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी के ऊपर निछावर कर दी थी। अब बेटी सकीना को विदा करने के बाद उसकी भी मौत की खबर आ गई, तो पुत्री और पत्नी दोनों का देह विलय यानी दोनों के मृत्यु का जो वियोग यानी जुदाई है, वो दोनों की जुदाई जो है उसका मतलब के अनुभव यहाँ रमजोमीर को करना पड़ा। उसकी हालत कैसी हो गई, दिवसों सुधी तो ए अवाक थई गईलो। अवाक यानी पागलों जैसा हो गया था, कोई कुछ कहे सुन बोले तो उसे कोई चीज़ की सूद नहीं थी, बिल्कुल भी अपनी ही दुनिया में बस सुन बैठा रहता था। एनी चित्त भ्रम जेवी दशा जोई ने, उसकी पागलों जैसी दशा यानी हालत देखकर लोगों कहता कि डोसानी डागड़ी चस्की गई छे। अब डागड़ी चस्की जबी एक रूढ़ी प्रयोग है, इसका अर्थ भी 1 मार्क्स में आ सकता है, तो डागड़ी चस्की जवी यानी पागल थई जाऊँ। दूसरा पैराग्राफ देखेंगे, गौरीनी विदाय वेड़ाए रमजू मीरे शरणाईनो सुर छेड़ियो। अब जो गौरी का विदाय प्रसंग, गौरी नाम की जो लड़की है गांव की, उसकी शादी के वक्त, उसकी विदाई रुखसती के वक्त रमजू मीर ने शहनाई बजाना शुरू किया, शरणाई के सुर छेड़े। सकीना ने सासरे वड़ावी पड़ी हती त्यारे रमजू मीरे पारावार दुख अनुभव्यु हतु।
सकीना को जब ससुराल उसने विदा किया था, वड़ावी हती यानी विदा किया था, तब रमजू मीर को पारावार यानी हद से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दुख का एहसास हुआ था। आजे एवोज प्रसंग आवता शरणाईना सुरमा ते पोतानी वेदना ठालवतो हतो, यानी आज गौरी की विदाई में उसे अपनी बेटी की विदाई ही दिखाई दी, इसलिए शहनाई के सुर में उसने अपने दुख को भी डाल दिया। कब्रस्तान आवता ज दादमा मड़ेली रकम गौरी ने आपीने कब्रस्तान में दाखल थी गयो। आखिर में उसने क्या किया, कब्रस्तान आया जब नज़दीक तो उसने दाद में मिली हुई बख्शीश जो यानी बख्शीश में मिली हुई जो रकम है, दाद में मड़ेली जो रकम है वो गौरी को उसने दे दी। तो इस तरह अगर ये सवाल आया तो आपको इस तरीके से इसको लिखना है। आगे देखेंगे रमजू मीर नु दिक्री प्रत्येनु वात्सल्य। अब पहला और दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन उसमें उसकी वेदना बतानी है यानी उसका दुख ज़्यादा बताना है। और रमजू मीर दिक्री प्रत्येनु वात्सल्य यानी बेटी के लिए उसका कितना प्यार है और बेटी के लिए उसने क्या क्या किया है, यहाँ वो चीज़ को ज़्यादा महत्व देना है। तो रमजू मीर नु दिक्री प्रत्येनु वात्सल्य। रमजू मीर कुशल शरणाई वादक छे। भर जुवानी में पत्नी नु अवसान थता रमजू ने बे वर्षनी माँ विहोणी बाड़कीनी माता थवू पड़ू, जो हमने पहले आंसर में भी देखा। रमजूए दीकरी सकीना ने सगी माँ करताए सवाया हेतथी उछेरी मोटी करी। एने आ दुनिया में बेज पात्रों जोड़े आत्मीयता बंधाई गई थी। देखो ये नया आपको ऐड करना है कि कैसे दो ही चीज़ों की उसकी ज़िंदगी में अहमियत थी, जिसमें से एक सकीना भी है, और सकीना के प्रत्येक का ही सकीना का ही प्यार उसके दिल में कितना है वो हमें ये सवाल के जवाब में बताना है। कुटुंब में पेढ़ी दर पेढ़ी वारसा में मरती आवेली शरणाई, जो विरासत है उसमें उसे मिली हुई शहनाई, वो एक चीज़ उसकी ज़िंदगी में अहमियत रखती थी। और दूसरी सूरजमुखीना फूल जेवी सकीना, फूल जैसी नाजुक उसकी बेटी सकीना। आथीज कौमना माणसोनो आग्रह होवा छता एणे फरी निकाह पड़वानो विचार न कर्यो। रमजू मीर को कौम के गांव के लोगों ने कहा भी कि आपकी बच्ची छोटी है, आप दूसरा निकाह कर लो, लेकिन फिर भी रमजू मीर ने उनका कहना नहीं माना, दूसरी शादी नहीं की। रमजू मीर सकीना ने 24 कलाक पोतानी साथे ज फेरवतो। रमजू मीर जहाँ भी जाता, बाहर बाजार में जाता, किसी के यहाँ शहनाई बजाने जाता, तो वो हमेशा अपनी बेटी को अपने साथ ही रखता। कोई ना सामैयामा के वरघोड़ा में शरणाई वगड़वा जवानु होए त्यारे ते पितानी पिताने वड़गेली पिताने वड़गेली रहती। पापण में पुरायेला सुमधुर स्वप्न समी सकीना ने सासरे वड़ावी पड़ी, ते दिवस एने पारावार दुख अनुभव्यू हतुं। सकीनाना भेदी अवसान थी रमजू मीर ने बमणा वियोगनु दुख थयो, एनी चित्त ब्रह्म जेवी दशा थई गई। गौरीनो विदाय प्रसंग एना माटे सकीनानो विदाय प्रसंग बनी गयो। जैसे मैंने आपको बताया कि गौरी की विदाई में उसने अपनी बेटी की विदाई देखी जो अतीत में हो चुकी थी। पोताना दिल में भरेली वेदना ए शरणाईना सुर में व्यक्त करवा लाग्यो, और अपने दिल का जो हाल था वो शहनाई के सुर के जरिए वो बयान करने लगा। वर पक्षना वेवाईए ने एवं लाग्यु कि दाद लेवा माटे ते वगाड़े छे। जो दूल्हे के पक्ष के जो समधी है उन्हें ऐसा लगा कि बख्शीश लेने के लिए ये इतनी शहनाई बजा रहा है, लेकिन उसके दिल का हाल कोई भी नहीं जानता था। परंतु दादमा मड़ेली रकम एने गौरी ने आपी दीधी। आम कन्या विदाय गौरी नी छे, पण रमजू माटे ते पोतानी दीकरी सकीना बनी रहे छे। तो ये सवाल आपको नोट में लिखने हैं, तैयार भी करने हैं। उसके बाद देखेंगे प्रश्न दो, नीचे ना प्रश्नों ना टूक में उत्तर लखो। पहला, ये सवाल भी दो मार्क्स में आते हैं। दाद में मड़ेला पैसा रमजू मीर गौरी ने शा माटे आपी दे छे। दाद में मिले हुए पैसे रमजू मीर गौरी को क्यों दे देता है? तो रमजू मीरे मीरे पत्नी ना अवसान पछी बे वर्षनी दीकरी ने खूब लाड़ती मोटी करी हती। तेना लग्नना आठमे दिवसे एनू भेदी मृत्यु थयु हतु। गौरीना विदाय प्रसंगे पोतानी दीकरीनो विदाय प्रसंग याद आवता दादमा मड़ेला पैसा रमजू मीर गौरी ने आपी दे छे। दूसरा प्रश्न है, शरणाई वगाड़ती वखते रमजू मीर सकीना ने केवी रीते साचवतो? तो शरणाई वगाड़ती वखते रमजू मीर एने पीठ पर बेसाड़तो, सकीना पिताना गड़ामां हाथ परोवी वांदरीने पेटे वड़गेला बच्चानी जेम पिताने वड़गी रहती। ये प्रश्न भी दो मार्क्स में आते हैं।
રમઝું મીરને કયા બે પાત્રો જોડે દિલ્લગી બંધાઈ ગઈ હતી? રમઝું મીરને બે જ પાત્રો જોડે દિલ્લગી બંધાઈ ગઈ હતી. એક તો કુટુંબમાં પેઢી દર પેઢી વારસામાં મળતી આવેલી શરણાઈ, અને બીજી મૃત પત્નીના સંભારણા રૂપે સાંપડેલી સૂરજમુખીના ફૂલ જેવી દીકરી સકીના. પ્રશ્ન ત્રણ, એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો. યે એક માર્ક્સ કે આ સકતે હૈ. એસે તો આપકો સિલેબસ મેં જીતને ભી લેસન હૈ ઉસમેં સભી લેખક કવિ કે નામ ઓર સાહિત્ય પ્રકાર યાદ કર લેને હૈ, તો યે ભી એક માર્ક્સ મેં આ સકતે હૈ. શરણાઈના સૂરના લેખકનું નામ જણાવો, તો શરણાઈના સૂર ગદ્યના લેખક ચુનીલાલ મડિયા છે. દૂસરા સવાલ, શરણાઈના સૂરનો સાહિત્ય પ્રકાર જણાવો, તો શરણાઈના સૂર એ ટૂંકી વાર્તા છે. અબ યે શરણાઈના સૂર કે સવાલ જવાબ મેને આપકો હલ કરવાએ, યે સભી સવાલ જવાબ આપકો ધ્યાન સે પઢ લેને હૈ, નોટ મેં લિખ લેને હૈ ઓર યાદ ભી કર લેને હૈ, તાકે આપકી એક્ઝામ કી તૈયારી ભી શરૂ રહે. નેક્સ્ટ પીરિયડ મેં દૂસરે ટોપિક કે સાથ મિલેંગે ઇન્શાઅલ્લાહ. તબ તક કે લિયે અલ્લાહ હાફિઝ.